अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू माई चैनल ज़ैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हेयर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बीएस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प। अवर टूडेज कोर्स इज ग्रामर एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द टॉपिक आइडेंटिफाई मेन आइडिया टॉपिक सेंटेंसेज। इफ़ दिस वीडियो इज़ न्यू फॉर यू देन हिट लाइक बटन एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। नाउ आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक। Identify main idea topic sentence. Topic, first of all topic. The topic of a paragraph is the subject of the whole paragraph. एक paragraph का मतन यानी कि topic paragraph के whole paragraph के पूरे paragraph के मजमून यानी कि subject होता है, पूरे के पूरे paragraph का subject होता है। It is the one thing that whole paragraph is about. और ये एक वह चीज़ होती है जिसके मतलब सारा paragraph होता है। Usually the topic of a paragraph can be expressed in two or three words. और आमतौर पर paragraph का मतन यानी कि topic दो या तीन लफ्ज़ों में ज़ाहर किया जाता है। फ्रीक्वेंटली द रिपीटेड यूज़ ऑफ अ वर्ड कैन सर्व एज अ क्लू टू द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। बार बार इस्तेमाल होने वाला वर्ड को पैराग्राफ के मतन के अशारे के तौर पर समझा जा सकता है, यानी कि पैराग्राफ में जो वर्ड बार बार यूज़ हो उसे पैराग्राफ का टॉपिक के अशारा समझा जा सकता है। टॉपिक सेंटेंस। द टॉपिक सेंटेंस एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के मरकजी ख्याल को जाहिर करता है। दिस सेंटेंस इज आल्सो नोन एज द की और थीम सेंटेंस। और ये जुमला या ये सेंटेंस की और थीम सेंटेंस भी कहलाता है। द मेन आइडिया व्हाट द ऑथर वांट्स टू कम्युनिकेट अबाउट द टॉपिक। मरकजी ख्याल ये है कि ऑथर क्या कहना चाहता है इस टॉपिक के मतलब। इज़ द सेंट्रल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थाउट इन द पैराग्राफ। और ये पैराग्राफ की मरकजी और सबसे अहम थाउट है। Every other sentence and idea in the paragraph is related to the main idea. हर एक sentence paragraph में main मरकजी ख्याल के मुतल्लक होता है। Topic sentence can appear at several times. Topic sentence ज़ाहर होता है बहुत सारे यानी कि paragraph में बहुत सारी जगह। At the beginning, middle और end, शुरू में, दरमियान में और एंड में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी टेलीविज़न कार्टून्स कंटेन एन अनहेल्थी अमाउंट ऑफ व्यूलेंस। बहुत सारे टेलीविज़न कार्टून एक गैर सेहतमंद तशद्दुद की मकदार पर यानी कि तशद्दुद पर मुश्तमिल होते हैं। दिस सेंटेंस क्लियरली आइडेंटिफाइज एन अनहेल्थी डैट द की टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ इज़ व्यूलेंस इन टेलीविज़न कार्टून। टेलीविज़न कार्टून में तशद्दुद ये की टॉपिक पैराग्राफ में टेलीविज़न कार्टून के तशद्दुद के तौर पर समझा जा सकता है। मेन आइडिया। द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ टेल्स यू व्हाट द ऑथर वांट यू टू नाउ अबाउट द टॉपिक। मेन आइडिया मरकजी ख्याल पैराग्राफ का मरकजी ख्याल आपको ये बताना चाहता है कि इस टॉपिक के मतलब ऑथर क्या बताना चाहता है। द मेन आइडिया इज़ यूजली डायरेक्टली स्टेटेड बाय द राइटर इन वन और मोर सेंटेंसेस विद इन द पैराग्राफ। और मेन आइडिया आम तौर पर बराहे रास्त मुतल्लक रहता है पैराग्राफ के अंदर एक या ज़्यादा जुमलों, राइटर के लिखे हुए एक या ज़्यादा जुमलों के मुतल्लक। द सेंटेंस डैट स्टेट्स दिस मेन आइडिया इज़ कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। और जो जुमला इस मरकजी ख्याल के मुतल्लक होता है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल इन एन आर्टिकल द सब्जेक्ट इज़ पेंगुइन। और इस आर्टिकल में सब्जेक्ट है पेंगुइन। वेल अच्छा सो व्हाट अबाउट पेंगुइन यानी कि पेंगुइन क्या है, पेंगुइन के मतलब क्या है। द आर्टिकल हाउ पेंगुइन्स कांट फ्लाई। आर्टिकल ये है कि पेंगुइन कैसे फ्लाई नहीं कर सकता। दिस इज़ द मेन आइडिया और ये एक मेन आइडिया कहलाता है। और नाउ गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो यूज़फुल एंड हेल्पफुल फॉर यू। Like my video and subscribe my channel, please. Allah Hafiz.